हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टू डे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि एसएससी एमटीएस में किस तरह के जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से और अदर जो भी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, उन सभी के जो मिक्स क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम्स में, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे। दोस्तों, बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका आयोजक कौन था, ये पूछा गया है। कंवर सिंह, दिलीप सिंह, संदीप सिंह या सुजीत सिंह। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, इस विद्रोह के आयोजक थे बिहार के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है। दोस्तों, दीपिका कुमारी जो है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है, खो खो, भाला फेंक, तीरंदाजी या फिर टेनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो दीपिका कुमारी है ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये जो रिपोर्ट जारी होती है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है। तो दोस्तों, ये जारी करता है नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको BSI कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर किस मुख्यालय के शहर में स्थित है, यानी कौन से शहर के मुख्यालय में ये हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय है वो स्थित है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर न्यूयॉर्क। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये जो मुख्यालय है ये कोलकाता के अंदर स्थित है। तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको BSI बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया, कोलकाता में। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व में प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये बोरोबुदुर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो मंदिर है ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर GST लागू नहीं है। दोस्तों, किसके ऊपर GST लागू नहीं है, शराब, वाटर बॉटल, बोतल जूस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शराब के ऊपर दोस्तों GST लागू नहीं है, बाकी सभी पर इन पे GST लागू है। अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ष 1000 ईस्वी में किसने अपने पहले हमले में जयपाला भारतीय शासकों को हराया था। जयपाला जो भारतीय शासक था उसको किसने हराया था, मोहम्मद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पृथ्वीराज ने या फिर अकबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने, सॉरी, मोहम्मद गजनी ने हराया था दोस्तों जयपाला को, कब, 1000 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राज्य परिषद को किस समिति की सिफारिश द्वारा स्थापित की गई है। दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद को कौन सी समिति की सिफारिश से स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। इसको दोस्तों सरकारिया कमेटी जो है इसकी सिफारिश से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग कौन लेता है, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ संसद की विधानसभाओं के दोनों सदनों के सदस्य, सिर्फ राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये किसकी जयंती पर, तो आई होप आप सबको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंधित है, चावल के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, नील के उत्पादन से या तंबाकू के उत्पादन से। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर दो, गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, आपसे शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण पूछा गया है, तो ये कब शुरू किया गया था, 1982 में, 1984 में, 1986 में या 1988 में। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान ज्ञात करने वाला व्यक्ति कौन है। दोस्तों कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान ज्ञात किया था। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, भाविशा सिंह किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है। भाविशा सिंह जो है ये कौन से खेल से जुड़ी हुई है, क्रिकेट, टेनिस, कराटे या फिर हॉकी। दोस्तों खेल खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एमटीएस के एग्जाम में। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, कराटे खेल से जुड़ी हुई है भाविशा सिंह। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर दो इनमें से किस नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है दो नंबर का जलमार्ग वो कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जलमार्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, महाराष्ट्र के अंदर ये मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किसे सर्जरी का जनक कहा जाता है। दोस्तों सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, GHO इनमें से किस देश के पुरुषों के लिए पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है। दोस्तों GHO घो जो है वो कौन से देश के पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भूटान के जो लोग हैं जो पुरुष है वो ये पोशाक पहनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये दोस्तों हो जाएगा बेरन द्वीप पर, ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है, ये एकमात्र ज्वालामुखी है जो जीवित है। अगला है, भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपसे पूछा गया है कौन सा है, ऑप्शन देखिए आप, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, विज्ञान चक्र या फिर शौर्य चक्र। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा परमवीर जो चक्र है ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है, गंगा, यमुना, कावेरी या फिर लूणी। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लूणी नदी जो है ये समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, ये विलय हो जाती है अपने रास्ते में ही। अगला प्रश्न है, भारत में किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या फिर पारसी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसी जो धर्म है इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लिबर्टी का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ठीक है, लिबर्टी का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों फ्रांस से लिया गया, ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का रूपांकन किस नोट पर मौजूद है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 2000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, इसका रूपांकन किया गया, चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव जीता था। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कब चुनाव जीता था सर्वप्रथम लोकसभा का, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 2004 में सर्वप्रथम प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा चुनाव जीता था। अगला प्रश्न है, यूरोप में किस देश के यूरोप में किस देश को पवन का देश कहा जाता है। पवन का देश दोस्तों कौन से देश को कहा जाता है,
तो इसका सही ऑप्शन है डेनमार्क को दोस्तों पवन का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से थे क्या थे दोस्तों? माइकल मधुसूदन लेखक, निर्देशक, वकील या फिर जज? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये लेखक थे पेशे से, माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दुबई, बीजिंग, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो? कौन से शहर में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक कहां पर है? तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक है, मुख्यालय आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बिना फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? बिना फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम, मस्तोगेम, गैस्टोगेम या जेस्टोगेम? तो दोस्तों बिना फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं क्रिप्टोगेम, ठीक है, जिनके फूल नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई चौड़ाई की लंबाई का अनुपात क्या है दोस्तों? ऊंचाई या फिर चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है वो आपसे पूछा गया है कि जो रेशियो है वो क्या है राष्ट्रीय ध्वज का? तो ये दोस्तों है 3:2 का, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है चौड़ाई जो है वो है 3 और जो ऊंचाई है वो है 2, तो 3:2 का रेशियो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दबाव का प्रतिनिधित्व करता है? बल या क्षेत्र, समय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र या बल ऊर्जा? इसका दोस्तों सही आंसर है बल क्षेत्र जो है ये भौतिकी में दबाव का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, दिव्या काकरण इनमें से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? दिव्या काकरण कौन से खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कुश्ती के खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनने के साथ वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ की थी ये? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री थी जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग का हिस्सा सेरिबेलम मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मस्तिष्क, कान, नाक या फिर पैर? दोस्तों शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है कौन सा हिस्सा है ऐसा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर मस्तिष्क जो है ये हमारा संतुलन बनाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? वेदनोड, सहिष्णु, जेत्सु या ससुना? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सहिष्णु, सहिष्णु जो है यह प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव शुरू की गई है दोस्तों? खेल मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा या योजना मंत्रालय द्वारा? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है प्रसाद नाम से। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी शासन के लगभग 280 वर्षों के बाद 1954 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? दिल्ली, कोलकाता, पुडुचेरी या फिर चेन्नई? इसका सही आंसर है दोस्तों पुडुचेरी बना था भारत का केंद्र शासित प्रदेश 280 वर्षों के बाद 1954 में। अगला प्रश्न है, लाल समुद्र और किस खाड़ी के जल निकायों को बाब अल मंडब जल संधि को जोड़ती है? दोस्तों लाल समुद्र और किस खाड़ी के जल निकायों को बाब अल मंडब जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन देखिए आप फटाफट, और इसका सही आंसर रहेगा अदन की खाड़ी जो है ये इसको जोड़ती है बाब अल मंडब को। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य के भागलपुर में स्थित है? दोस्तों विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में है? दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बिहार के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है?
दोस्तों चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा सीवी गिल, जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए, CVIGIL के नाम से, ठीक है ये एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं पर प्रावधान है, कौन सी सूची में, तीसरी, सातवीं, दसवीं या फिर 11वीं। तो दोस्तों ये 11वीं सूची के अंदर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, दोस्तों ये कौन से नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये कथकली नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, चेमनचेरी कुन्नीरामन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया, रियो डी जेनेरियो, एथेंस, पुणे या फिर वॉशिंगटन। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एथेंस, एथेंस में ये जो ओलंपिक खेल है ये आयोजित हुए थे सबसे पहली बार। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए थे, और हम आपको SSC MTS एग्जाम की तैयारी अभी करवा रहे हैं 2021 के लिए। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF फाइल और ये सभी क्वेश्चन में उपलब्ध करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर आप ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।